मंगल वृष राशि में चलेंगे सीधी चाल। मकर संक्रांति से इन पांच राशियों के होंगे मंगल ही मंगल। नए साल 2023 में मंगल 13 जनवरी को वृषभ राशि में मार्गी हो रहे हैं। मंगल के सीधी चाल चलने से देश दुनिया में शुभ स्थिति बनेगी। इसके साथ ही वृष राशि सहित कई राशियों के लिए मंगल नए साल के आरंभ में मंगलकारी योग बनाएंगे। जानिए मंगल के वृष राशि में मार्गी होने से किन किन राशियों को फायदा होगा। साल 2023 में मंगल ग्रह 13 जनवरी को वृषभ राशि में मार्गी होंगे, यानी सीधी चाल चलेंगे। वैदिक ज्योतिष में मंगल को साहस, ऊर्जा, शौर्य, पराक्रम, भूमि आदि का कारक ग्रह माना जाता है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल के वृषभ राशि में सीधी चाल चलने की वजह से मंगल के शुभ प्रभाव का लाभ भारत सहित दुनिया के तमाम देशों पर दिखेगा, जबकि मंगल के मार्गी होने से सभी राशियों पर इसका शुभाशुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए मंगल के वृष राशि में मार्गी होने पर किन किन राशियों को इसका फायदा मिलेगा। वृष राशि, परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। मंगल आपकी ही राशि में मार्गी होने वाले हैं, जिसका फायदा इस राशि के जातकों को जरूर मिलेगा। इस दौरान पिछले कुछ समय जिन चीजों को प्राप्त करने के लिए आप मेहनत कर रहे थे, वो इच्छाएं पूरी होंगी। साथी मित्रों के साथ कहीं लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का योग बन रहा है। व्यापार में किसी महत्वपूर्ण योजना को लागू करने के लिए समय अनुकूल है और परिवार का भी पूरा सहयोग मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को उनकी मेहनत का फल मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन किसी बात पर खटपट की स्थिति भी रहेगी। सिंह राशि, लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। मंगल का मार्गी होना सिंह राशि वालों के लिए काफी उत्तम रहने वाला है। इस दौरान कार्यक्षेत्र में जो विवाद चल रहे थे वो दूर हो जाएंगे। आर्थिक लिहाज से आपके लिए मंगल का मार्गी होना सकारात्मक फल देने वाला रहेगा। अगर आप कोई नया ऑर्डर या टेंडर देने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। ईमानदारी और कड़ी मेहनत से आप अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही आपको कार्य कौशल दिखाने का अवसर भी प्राप्त होगा। गोचर काल में नौकरी पेशा जातक दृढ़ संकल्प के साथ काम करेंगे तो शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। वृश्चिक राशि, धर्म कर्म के कार्यों में मन लगेगा। मंगल के मार्गी होने से वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगलदायी रहेगा। इस दौरान धर्म कर्म के कार्यों में आपका मन लगा रहेगा और सामाजिक कार्यों में भी आप शामिल होंगे। व्यापार विस्तार के लिए बनाई गई योजनाओं को पूरा करने के लिए समय अच्छा है। अगर आप रोजगार में बदलाव की योजना बना रहे हैं तो कार्यों में सफलता मिलेगी। गोचर काल में आर्थिक तौर पर वृश्चिक राशि वालों को सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे और किसी बड़े बुजुर्ग के माध्यम से निवेश भी कर पाएंगे। करियर में तरक्की के लिए नए सिरे से योजनाओं की समीक्षा करेंगे और उसी के अनुरूप कार्य भी करेंगे। धनु राशि, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। धनु राशि के लिए मंगल का मार्गी होना आर्थिक निवेश के मामले में फायदेमंद साबित होगा। इस दौरान किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए जुनूनी रहेंगे, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा। नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं की इच्छा इस अवधि में पूरी हो सकती है। साथ ही निवेश से भी आप संतोषजनक परिणाम प्राप्त करेंगे। इस दौरान आपके पास कुछ नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं, इसलिए फैसले लेते समय सोच विचार अवश्य कर लें। जीवन साथी के साथ रिश्तों को लेकर रचनात्मक और सहज रहें। साथ ही पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखें। मीन राशि, परिजनों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। मंगल का मार्गी होना मीन राशि वालों के लिए बेहद अनुकूल साबित होगा। इस दौरान आपके व्यक्तित्व में काफी बदलाव आएगा और लोग आपकी बातों और व्यवहार से काफी प्रसन्न भी रहेंगे। आप अपने कार्यों को आत्मविश्वास के साथ करेंगे और उसे पूरा करने में आपको सफलता भी मिलेगी, जिससे आपके करियर में अच्छी उन्नति होगी। इस अवधि में परिजनों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे और उनकी जरूरतों का ध्यान भी रखेंगे। गोचर काल में आपके द्वारा चतुराई से उठाए गए कदमों से उत्साहजनक परिणाम मिलेंगे। माता पिता के साथ संबंध मजबूत होंगे और उनके कार्यों को लेकर भागदौड़ की स्थिति भी बनी रहेगी। धर्म कथाएं के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें।